हेलो मेरी प्यारी YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो आज मैं आप सभी के सामने फिर से हाजिर हूँ एक नई रेसिपी को लेकर। लेकिन उसके पहले मैं आप सभी को वो रीजन बताने वाली हूँ जिसकी वजह से मैं पिछले 6 मंथ से वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो वो रीजन है मेरी प्रेगनेंसी और मेरा बेबी जो कि 5 मंथ्स का हो चुका है। और इसी के साथ में मैं अपने व्यूवर्स और सपोर्टर्स को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उन्होंने मेरी इस जर्नी में मेरा साथ दिया। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि मेरी आगे की जर्नी काफी मुश्किल होनी है मेरे बच्चे के साथ में। और आशा करती हूँ कि आप सभी इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहेंगे, प्रोत्साहित करते रहेंगे, जिससे कि मैं नई नई रेसिपीज को आप सभी के सामने लेकर आ पाऊँ। तो चलिए बात करते हैं आज की रेसिपी के बारे में। दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं कड़ी लापसी। दोस्तों गुड़ की लापसी और खट्टी मीठी कड़ी लोग विंटर्स में स्पेशली खाना पसंद करते हैं और ये कफ और कोल्ड में संजीवनी की तरह काम करती है। तो इसे हम बनाना शुरू करते हैं और चलते हैं किचन की ओर। दोस्तों यहाँ हम सबसे पहले लापसी बनाने वाले हैं। इसके लिए हमने यहाँ 150 ग्राम के लगभग में गुड़ और एक कटोरी दलिया लिया है। अब हम यहाँ पर गुड़ को पील करेंगे। ऐसा करने से गुड़ की चाशनी बहुत अच्छे से बनेगी और लापसी खाते समय गुड़ के टुकड़े मुंह में नहीं आएंगे। लापसी बनाने के लिए हम यहाँ पर कढ़ाई का इस्तेमाल करेंगे। अब हम कढ़ाई में 2 चम्मच के लगभग में घी लेंगे। आप चाहें तो ज्यादा घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, किन दोस्तों हमें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर 2 चम्मच घी पर्याप्त है। देखिए हमारा घी अब गर्म हो गया है। अब इसमें हम दलिया डालेंगे। हमें अच्छे से घी में इसे मिक्स करना है और कड़छी को थोड़ी थोड़ी देर में गोल्डन ब्राउन होने तक चलाते रहना है। दोस्तों पुराने जमाने में बहुत वैरायटीज नहीं हुआ करती थी, तब लोग इसे एक मिठाई के रूप में बनाया करते थे। आज भी राजस्थान के लगभग सभी घरों में इसे खास अवसरों पर बनाया जाता है, जैसे त्योहार, खुशी के मौके और पूजन पाठ में भोग के रूप में विशेष रूप से बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा दलिया गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया है और इसमें से बहुत ही अच्छी महक भी आने लगी है। इससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारा दलिया सिक गया है। अब हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके पानी को डालेंगे। हमने यहाँ 3 ग्लास के लगभग में पानी लिया है। इसे बहुत आराम से डालिएगा। ध्यान रखें कि भाप से आपका हाथ ना जले। दोस्तों यहाँ पर पानी की मात्रा दलिये की मोटाई पर डिपेंड करती है कि वो पानी को कितना सोखने वाला है। जब दलिया पानी को अच्छे से सोख ले तब उसके दाने को दबाकर चेक करें कि वो अच्छे से पका है या नहीं। अगर नहीं पका है तो उसमें थोड़ा पानी और ऐड करें। देखिए हमारे दलिये ने पानी को सोख लिया है। अब हम इसमें गुड़ डालेंगे। अब इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि दलिया चाशनी को अच्छे से सोख नहीं लेता। देखिए दलिये ने चाशनी को अच्छे से सोख लिया है। इसके बाद में हम इसमें ड्राई फ्रूट्स को ऐड करेंगे। आप अपनी इच्छा के अनुसार जो भी ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। अब यहाँ हम नारियल का पाउडर इसमें ऐड करेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है लेकिन नारियल के पाउडर से लापसी बहुत ही खिली खिली बनती है। लापसी को कुछ देर के लिए ड्राई फ्रूट्स के साथ पकने देंगे। और लास्ट में हम इसमें 1 चम्मच के लगभग में घी ऐड करेंगे जिससे कि इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। हमारी स्वादिष्ट सी लापसी अब बनकर तैयार है। ओ आइए अब खट्टी मीठी कड़ी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 कटोरी बेसन, 1 कटोरी दही। बेसन और दही को अब हम इस बॉल में डालेंगे। अब हम इन दोनों को विस्कर की हेल्प से मिक्स करेंगे जिससे कि लम्स ना पड़े। हमें बेसन और दही को बहुत अच्छे से मिक्स करना है। ध्यान रखिए कि बेसन जो है वो अच्छे से दही में मिक्स हो जाए। अब देखिए बेसन दही में अच्छे से मिक्स हो गया है।
दोस्तों यहाँ हमने 3 ग्लास के लगभग में पानी लिया है। इसे हमें थोड़ा थोड़ा करके मिक्सचर में ऐड करना है। तो यहाँ हमें पानी को थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ नहीं डालना है, और अच्छे से इसे मिक्स करना है। देखिए हमारा कढ़ी का घोल बनकर तैयार हो गया है। अब हम इस घोल को साइड में रख देंगे। देखिए अब हमने यहाँ पर मसालों की प्रिपरेशन कर ली है। तो दोस्तों कढ़ी बनाने की सारी प्रिपरेशंस यहाँ पर हो चुकी है। हम यहाँ पर कुकर का बेस यूज कर रहे हैं, आप चाहें तो कोई भी बर्तन ले सकते हैं। अब हम इसमें जो मिक्सचर हमने रेडी किया था वो डालेंगे। हमें इस घोल को मीडियम फ्लेम पर कुछ देर के लिए पकाना होगा। अब कढ़ी के लिए हमें यहाँ पर तड़का तैयार करना होगा। उसके लिए यहाँ पर हमने एक छोटी कढ़ाई ली है। हम यहाँ पर 5 छोटे चम्मच ऑयल लेंगे। ऑयल गर्म होने पर हम इसमें 1/2 चम्मच के लगभग में मेथी दाना डालेंगे। अब इसमें 1/2 चम्मच के लगभग में राई डालेंगे। इसके बाद में 1/2 चम्मच के लगभग में जीरा डालेंगे। अब हम इसमें 1/2 चम्मच के लगभग में खड़ा धनिया डालेंगे। बारी आएगी कड़ी पत्ते की। दोस्तों मीठा नीम कड़ी के स्वाद को बढ़ाता है और ये हेल्थ के नजरिए से भी बहुत फायदेमंद है। मैंने यहाँ पर 4 हरी मिर्ची ली है और अब हम इसे डालेंगे। दोस्तों मैंने यहाँ पर लाल मिर्ची का यूज नहीं किया है, इसलिए मैं यहाँ पर हरी मिर्ची ज्यादा डाल रही हूँ। आप चाहें तो कम भी डाल सकते हैं, लेकिन हरी मिर्ची का ज्यादा यूज करने से कड़ी खट्टी मीठी तो बनेगी ही, लेकिन साथ में तीखी भी बनेगी। और अब हम लास्ट में 1 चम्मच के लगभग में हल्दी और 1 चम्मच नमक डालेंगे। इसके बाद में हम 1/4 टीस्पून के लगभग में हींग डालेंगे। और जो मिक्सचर हमने गैस पर चढ़ाया था उसे हम चेक करेंगे कि वो थोड़ा सा थिक हुआ है या नहीं हुआ है। अगर वो थोड़ा सा थिक हो गया है इसका मतलब कि घोल अच्छे से पक गया है। अगर ज्यादा थिक हो गया है तो आप उसमें थोड़ा पानी और ऐड कर सकते हैं। हमारा मसाला पककर रेडी हो गया है। अब हम इसे घोल में डालेंगे और इसे मसालों के साथ में कुछ देर के लिए पकने देंगे। कड़ी में खट्टापन डालने के लिए मैंने यहाँ पर 1 नींबू का रस निकाला हुआ है। अब हम उसे कड़ी में डालेंगे। अगर आपका दही पहले से खट्टा है तो यहाँ पर नींबू डालने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप थोड़ा और खट्टापन चाहते हैं तो आप उसमें नींबू ऐड कर सकते हैं। अब कड़ी को खट्टा मीठा बनाने के लिए यहाँ पर हम 2 चम्मच के लगभग में शक्कर डालेंगे। अब हमें यहाँ पर कड़ी को उबालने के लिए छोड़ देना है। कड़ी में कुछ देर के लिए उबाल आना बहुत जरूरी है, इससे कड़ी काफी स्वादिष्ट बनती है। अब हम यहाँ पर कड़ी में स्मोकी सा तीखापन देने के लिए तड़का तैयार करेंगे। उसके लिए फिर से मैंने यहाँ छोटी कढ़ाई ली है। उसमें हमें 1/4 टीस्पून के लगभग में तेल लेना है। ऑयल को यहाँ पर अच्छे से गर्म होने देना है। उसके बाद हम यहाँ पर 4 से 5 खड़ी लाल मिर्च लेंगे। खड़ी लाल मिर्च को हमें तेल में अच्छे से पकाना है। खड़ी लाल मिर्च को तेल में डालने के बाद वो अच्छे से फूल जाती है। हमें इसे थोड़ा सा डार्क मैरून कलर में आने देना है। उसके बाद में ये अच्छे से पक जाएंगी। यहाँ पर स्मोकी टेस्ट के लिए सिर्फ खड़ी लाल मिर्च का तड़का लगाएंगे, क्योंकि बाकी मसाले हमने पहले से ही डाल दिए हैं।
हमारा तड़का बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे कड़ी में डालेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो दोस्तों, हमारी खट्टी की कड़ी बनकर तैयार है, जिसे अब हम सर्व करेंगे हमारी स्वादिष्ट सी लापसी के साथ में। सर्व करने के पहले धनिया डालना ना भूले। तो इसमें अब मैं धनिया डाल रही हूँ। धनिया से कड़ी का टेस्ट काफी अच्छा होगा। दोस्तों, हमारी स्वादिष्ट सी लापसी और खट्टी मीठी कड़ी बनकर रेडी है।